लोकेशन लगा दीजिए। लोकेशन सबके प्रणाम बा, नमस्कार बा। जितना लोग भैया लोग आप सब जुड़ जाए जा, और आज आप लोग खाती और आप लोग से बहुत सारा बात करे खाती लाइव आइल बनी हम। इतना दिन से तो गाना बजाना के प्रमोशन होते रहे, आज बहुत कुछ बात करे के बा और बहुत ऐसा पहलू बजाना पे बात करे के बा। तो हम चाहते नहीं कि आज ये लाइव के इतना शेयर करिए आप सब, कि आज वो भोजपुरी के हर श्रोता भी लाइव पहुँचे और सबके आज सबसे हमनी के बात करिए, जेकरा से हमनी के बानी जाए, चाहे वो हमारा विरोध कैले होके आ चाहे वो हमको सपोर्ट किए हैं। आज सबसे बात करना है, मन में बहुत सारा उलझन बा कि आज एगो गलत आदमी के विरोध में हम लोग चुप हैं। चलिए आते हैं इस लाइव में, हमारे साथ हैं केसारी भैया के मैनेजर साहब भी हैं, विवेक भैया। अभी मैं वही लिख रहा था, सबको सबको नमस्ते है, सबको प्रणाम है, और यहाँ रखते हैं पापा हम लोग। हाँ। बड़े अच्छे से, और अगर कोई यहाँ पे सपोर्ट और नॉन सपोर्ट हेट इसकी कोई बात ही नहीं चल रही है। आप आज हम लोगों को, बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग को पसंद करते हैं उनको भी थैंक यू है, और बहुत सारे जो लोग हैं जो हम लोग को पसंद नहीं करते हैं आप लोग को भी आज मैं बोलूंगा, आज यहाँ पर उसकी हम लोग को बात ही नहीं करनी, पसंद ना पसंद। आज हम लोग भोजपुरी की बात आज करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, देखिए हम भी यहाँ पर हैं, एक मैनेजर हैं, तो मैनेजर किसके हैं, एक भोजपुरी स्टार के हैं। ये राइटिंग करते हैं तो ये किसके लिए लिखते हैं, भोजपुरी गाना लिखते हैं। आप लोग इतने लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग को जानते हैं, इसलिए जानते हैं क्योंकि हम लोग भोजपुरी भाषा और भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते हैं। जितने भी सिंगर हैं, छोटे हों, बड़े हों, बहुत बड़े हों, रिटायर हो गए हों, अब काम कर रहे हों, नहीं कर रहे हों, सबका 2 रुपए का नाम है, तो वो नाम भोजपुरी इंडस्ट्री की वजह से है। आज हम इंडस्ट्री छोटी है बड़ी है क्या करती है, हम उसके हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। कोई भी आए और आज भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे कलाकारों को गाली देना चालू कर दे और हम लोग बस चुपचाप बैठे रहें, क्योंकि नहीं यार वो हमको तो नहीं दे रहा है ना, वो उसको दे रहा है, कोई बात नहीं, अरे हम मत बोलो नहीं तो हमको देने लगेगा। हम लोग इतना डर के काम हो गया है, डर के हम लोग सब लोग डर गए हैं, शाम से गए हैं कि हम अगर बोलेंगे तो कहिया जवान मुझे भी गाली देने लगेगा हम लोग, अरे भाई हम नहीं बोलेंगे। लेकिन आज भोजपुरी के सारे कलाकार लोग जग गए, आज सब लोग एक एक करके सपोर्ट में उतरे हैं, जिन जिन लोगों को गाली दिए हैं और जिन लोगों को नहीं दिए हैं वो लोग भी आज खड़े हो गए। किस बात के लिए, क्योंकि हमारी बेटी, हमारी माँ बहन और हमारी बेटी और भोजपुरी माँ इतनी सस्ती नहीं है कि अब देखिए आप लोगों को उन लोगों की राजनीति और उन लोगों के TRP वाला चाल आप लोगों को बताते हैं हम लोग। आज से 1.5 साल पहले वो लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में आते हैं, उससे विगत जब हमारे देश में TikTok चालू था तो सबसे ज्यादा अश्लील गाने पे TikTok बनाने वाले यही दोनों भाई लोग थे। आते किस लिए हैं, अश्लीलता मिटाने के नाम पर आते हैं बात करने, और अश्लीलता भगाओ भोजपुरी से इन लोगों का अभियान है। ठीक है, आपने अश्लीलता का बात किया, अच्छा लगा, आपने अश्लीलता के लिए काम कर रहे हैं आप, तो बहुत अच्छा लगा। अब ये बताइए कि ये लोग अश्लीलता के विरोध में आ गया बोलते हैं और अश्लीलता का विरोध करते थे, बहुत अच्छा लगा था, हम भी इन लोगों के सपोर्ट में वीडियो बनाए थे जब हमें अच्छा लगा कि नहीं ये अश्लीलता बाबा हमको, लेकिन आपसे भी हम क्वेश्चन ही पूछेंगे, इसमें हमको बताते रहिएगा। हाँ। बाबा अश्लीलता सिर्फ 5 ही लोग कर रहे हैं क्या भोजपुरी में? बिल्कुल नहीं, कितने लगभग से चलती आई है, लगभग भोजपुरी है, छोड़ दीजिए पुरानी बात, अभी आज के डेट में करंट छोटे बड़े मिला के आपकी नजर में भी कितने सिंगर होंगे बाबा भोजपुरी में, मेल फीमेल मिला के लगभग कम से कम 5,000 से ऊपर, 5,000। लेकिन यार आगे थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, आप लोग जुड़िए भैया लीजिए। हाँ। हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी कहीं साइड में भाई गाड़ी रोक दीजिए जहाँ तो, नेटवर्क मिल रहा है। तो जहाँ जैसे मैंने आप बाबा अश्लीलता की बात कर रहे थे, कुछ 2 लोग आए, ये अच्छा इसके पहले ही बाबा किसी ने अश्लीलता का विरोध किया है कि नहीं भोजपुरी में? बिल्कुल, कुछ लोग हैं कि नहीं है? बिल्कुल। क्या नाम है बाबा उनका? हमारे बॉक्सर के ही नंद कुमार तिवारी जी हैं, हमारे चाचा जी हैं, वो हमारे परिवार के एक सदस्य। यूट्यूब चैनल होगा? नहीं, उनका यूट्यूब चैनल नहीं है। क्या बात कर रहे हैं बाबा, ना आज तक उनका फेसबुक अकाउंट भी मोनेटाइज। क्या बात कर, उनके पास फेसबुक भी मोनेटाइज नहीं है बाबा? नहीं। अरे ऐसे कैसे अश्लीलता का विरोध होता है बाबा? हा? तो कैसे करते हैं, वीडियो नहीं बनाते हैं क्या? हाँ वो हा? बनाते हैं वीडियो, वो जहाँ अश्लील गाने बजते हैं वहाँ अपने उनके उनको अपना गार्ड रखे हैं, वो अपने साथ वो
लोग वैसे रखे हैं जो जाके, और अश्लीलता अगर कहीं गाना अश्लील बज रहा है तो आदरणीय श्री नंद कुमारी तिवारी जी जाके वहाँ पे उसका विरोध करते हैं और माइक में बताते हैं कि ये गाना क्या आप अपनी माँ बहन के पास सुनेंगे? क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं बाबा यार। ये हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग जानते हैं, ये साक्षात झूठ है। अश्लीलता बाबा मिटेगी जब हम वीडियो बनाएंगे। और क्या बात है, नंद कुमार जी गाली देते होंगे माँ बहन की? कभी नहीं दिए। अरे हम मानेंगे ही नहीं, आप उठा के देख लीजिए। आप में से कितने लोग इस बात को मानते हैं? कोई नहीं मानेगा भाई। अश्लीलता का विरोध तो गाली गलौज दे के ही होता है, कैसे नंद कुमार जी के बिना गाली गलौज दिए अश्लीलता का विरोध कर रहे हैं? अब उनका उनका वो कॉल है नंद कुमार बाबा, अगर अश्लीलता का विरोध, आज तक उनका यूट्यूब चैनल है ना, आज तक वो वीडियो हमेशा, ये नहीं कि हमेशा वीडियो बनाएंगे, नहीं, उनको गलत लगता है तो हाँ वो हमेशा सत्य का साथ दिया। अगर जो गलत किए हैं हमारे वो रिश्तेदार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमारा भी गाना गलत आया तो सैकड़ों बार आप लोग देखे होंगे मेरा इंटरव्यू और मुझे डांटते हुए। अच्छा, मतलब नंद कुमार जी गाड़ी में गाना बजा के दारू पी के लाइव आके गाली गलौज नहीं करते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। अरे कभी यार नहीं। ऐसे भी अश्लीलता मिटता है क्या? उनपे गर्व होता है कि ऐसे अश्लीलता का विरोध करने वाले हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री। अगर भोजपुरी में अश्लीलता थोड़ा भी दूर हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ नंद कुमार तिवारी जी। फिर झूठ बोल रहे हैं बाबा आप यार, फिर झूठ बोल रहे हैं आप। साक्षात ही 700-800 लोग देख रहे हैं, मतलब मगैया जवान गाली दे के अश्लीलता नहीं मिटाया? नहीं। अब देखिए इन लोगों का भैया, हाँ ये लोग क्या करते हैं आज तक आप लोग बताइएगा भैया। अगर हम आज एक कलाकार होकर नहीं बोल रहे हैं, एक बेटी का बाप होके बोल रहे हैं, एक माँ का बेटा होके बोल रहे हैं, एक बहन का भाई होके बोल रहे हैं, आज हृदय रो रहा है, आज आंख से बस आंसू आप लोगों के सामने कब निकल जाए वही स्थितियां बनी हुई है। आज आप लोग ये बताइए कि ये लोग जब भी वीडियो बनाए हैं अश्लीलता का विरोध किए हैं, ठीक है आप अश्लीलता का विरोध किए हैं बहुत खुशी होता है, लेकिन आज तक आप ये बताइए कि आपने अश्लीलता के विरुद्ध में, किसी भी अश्लील गायक के विरुद्ध में एक भी FIR किया है क्या? ऐसे होता है क्या अश्लीलता का विरोध? फिर वही बात कर रहे हैं, आपने कभी रोड पे उतर के धरना प्रदर्शन किया है क्या अश्लीलता के विरुद्ध में? ऐसे थोड़ा ना अश्लीलता का विरोध होता है, ऐसे आप बताइए अश्लीलता का बात कर रहे हैं। देखिए ये लोग चंद पैसे के लिए हमारे भोले भाले पब्लिक को, हमारी भोजपुरी एक फूल था, वो खिला हुआ फूल था, आज भोजपुरी का दामन रो रहा है, आज भोजपुरी भाषा करा रही है, रो रही है ऐसे दरिंदों के चलते। और हम लोग वैसे इंसान हैं कि हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं इन लोगों को इसको। अरे इसमें अच्छा एक चीज और था नंद भैया के बारे में पूछना था कि वो जब उनके बारे में कोई अच्छा बोलता होगा तो उसका विरोध नहीं करते होंगे, जब खराब बोलता होगा तो विरोध करते, ऐसा नहीं करते हैं क्या नंद कुमार जी? अरे नंद कुमार बाबा का बात ही हटाइए भैया, इन लोगों की बात अभी किया जाए, ये लोग इन लोग अरे किए हैं ना भाई, कल 11:30 पवन भैया को सब ढोड़ी चटवा बोल दिए। पवन भैया ने पोस्ट कर दिया फेसबुक पे कि नीतीश कुमार जी जो गाली गलौज कर रहे हैं भोजपुरी में, जातिवाद फैला रहे हैं, उस पे कार्रवाई किया जाए। शाम का इनका वीडियो आता है और आप लोग वीडियो उठा के इनके यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देखिएगा कि ये पवन भैया को धोड़ीरवा बोलते हैं, खेसारी भैया को मसूरिया बोलते हैं, जितने भी चाहे हमारे भोजपुरी के गुंजन भैया को झुंझुनवा बोलते हैं, समर सिंह, हाँ आप जैसे राइटर, मतलब भाई सबसे ज्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री में सब लोगों ने योगदान किया सब। आज आप लोगों का खून क्यों नहीं खोल रहा है, आप लोग बैठे क्यों हैं? इनका भी योगदान है बाबा, ये मगही जान का योगदान नहीं है, है? गाली यही तो सिखाए हम लोगों को। इन लोगों की TRP देख लीजिए भैया, हम TRP पे पहले आते हैं, ये लोग TRP के लिए कितने दरिंदे और भूख लगी थी, हिट होना था ना आप लोगों को। आज भोजपुरी इंडस्ट्री के सब लोग जान गए, आपके माँ बाप पूछेंगे कि बेटा तुम भोजपुरी में क्या तुम्हारा योगदान है, तो बेटा बोलेगा कि बाबूजी भोजपुरी के सारे सुपरस्टारों को माँ बहन किए हैं, और आज मुझे फिल्म मिला है, भोजपुरी की सुपरस्टार एक्ट्रेस हमारे साथ काम कर रही है, ये हमारा लेवल है। लेकिन इंडस्ट्री कितनी खराब है बाबा, बताइए क्यों इस इंडस्ट्री में लोग काम करने आना चाह रहे हैं, बताइए? आज देखिए आप हैं मगह के, आप मगहिया जवान बोलते हैं, आज तक देखिएगा कभी भी एक भी मगह गाना का इन लोगों ने प्रमोशन नहीं किया है। किया भी हो तो एक दो किए हैं, आज तक मगही भाषा के बारे में नहीं ये लोग विस्तार किया है। ये लोग खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, कल्लू, अंकुश राजा, जितने भी सुपरस्टार हैं सबको इन लोगों ने टारगेट किया, जिनके फॉलोअर्स ज्यादा थे, जिनको लोग ज्यादा जानने वाले थे, सबको गाली दिया और इन लोगों को स्टारडम मिलती चली गई। अच्छा। और TRP वाला भैया खेल बता देते हैं, आज तक एक भी बार इन लोगों ने अश्लीलता के विरुद्ध में कोई कार्रवाई नहीं किया,
जब भी इन लोगों का वीडियो देखिएगा, इन लोगों की पैसे की इतनी भूख है कि एक वीडियो कभी भी फेसबुक पर अगर हम लोग कोई वीडियो मोनिटाइज हो जाता है तो चढ़ाते हैं, तो उस पर 3 मिनट से ज्यादा का वीडियो ड्यूरेशन वाला चढ़ाएंगे तो हमें पैसे आएंगे। इन लोगों का कोई भी वीडियो आप लोग उठा के देख लीजिएगा, 3 मिनट से कम का नहीं होगा, 5 मिनट 6 मिनट, और सेम वीडियो वहीं फेसबुक पर चढ़ाते हैं, वहीं यूट्यूब पर चढ़ाते हैं कि दोनों जगह से पैसा आए। इन लोगों की टीआरपी की भूख इतनी थी कि आज तक, ठीक है आप अश्लीलता के विरुद्ध सब किसी की माँ की गाली दे सकते हैं, आप रोड पे नहीं उतर सकते हैं, आज मेरी माँ को गाली दिया, आज भोजपुरी भाषा को आपने गाली दिया, आज अखिलेश कश्यप रोड पे उतरा है, आज विरोध कर रहा है आपका, आज हम अकेले अखिलेश कश्यप आपसे लड़ाई लड़ रहा है, आज आपने सारे सुपर स्टारों को दिया है, हम अकेले लड़ रहे हैं। एक मिनट जरा इनको देखिए, ये एक भाई है हमारे राहुल सिंह राजपूत जी, अभी आप लोग क्या कर रहे हो भैया? एक मिनट नहीं, हम इनसे बताना चाहेंगे, दोस्त आपको ही बताना चाहते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। देखिए क्या होता है ना कि जो हमारी जनता है, जैसे आप है, हम भी है, हम लोग सब गाने सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, हम लोग इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। आज की डेट में आप लोगों को जो इंटरटेनमेंट दी जा रही है ना, वो गंदी इंटरटेनमेंट दी जा रही है। भैया ये अभी रुक जाइए, अभी सबका जवाब देंगे भैया, रुक जाइए। वही जो लोग गंदा परोस रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं। आज हमको अखिलेश कश्यप के सपोर्ट में आप लोग मत पूछिए। आज जो वो लोग गाली नहीं, आज वो लोग जब गाली दिए हैं माँ बहन की, तो अगर आप लोग मेरे बातों से अगर नाराज हैं, आप किसी के भी फैन हैं, आप मुझे भी गाली दीजिए। आज अखिलेश कश्यप को हम देखते हैं कितने लोग दबा रहे हैं। पवन भैया को बार बार राजपूत का बात करते हो तुम, जब आते हो लाइव, राजपूत का धर्म क्या है, क्षत्रिय का धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म है कि अगर उसके आंखों के सामने कोई अन्याय कर रहा है तो सबका रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है। क्षत्रियों को उबाल कर, ललकार कर किसी की गाली दिलवा रहे हो तुम, इवेन की तुम पवन भैया जैसे सुपर स्टार को धोनीहुरवा बोलते हो, खेसारी लाल यादव को छक्का बोलते हो, गुंजन सिंह को झुंझुनवा बोलते हो, मुझे बोलते हो कोठा पुत्र। आज हम भी ब्राह्मण जाति से हैं, गुंजन भैया भुनिहार जाति से हैं, पवन भैया राजपूत जाति से हैं, अक्षरा को पता नहीं क्या क्या बोले, अक्षरा सिंह सबको, एक लड़की आई सौम्या पोखरेल, अगर उसने बोला कि ठीक है हम सौम्या ने गलत बोला सही बोला, वो भोजपुरी के ऑडियंस पे था, लेकिन उस दिन तुम सौम्या पोखरेल अपने हस्बैंड के साथ आती है और सौम्या पोखरेल ने बोला कि पवन सिंह को हम नहीं जानते हैं, क्या पवन सिंह को खेसारी लाल यादव जब अपना पिता मानते हैं, हम लोग अपने गार्जियन मानते हैं, तो हमारे अंडर में काम करने वाले लोग अगर बोल दिए कि पवन सिंह को नहीं जानते हैं, तो क्या पवन भैया को कोई नहीं जानता है? पवन भैया का सम्मान यहाँ से आत्मा से करते हैं हम लोग, शुरू से किए हैं, आज तक कोई पीठ पीछे भी बोल देगा कि पवन भैया छोड़कर अगर पवन सिंह भी बोले होंगे तो मेरा जो कहना होगा, आज तक इतना कंट्रोवर्सी हुआ दिखाना कि कभी पवन सिंह बोले हैं। आज भी आत्मा में मेरे वो भोजपुरी के वो हर एक सुपरस्टार के अंदर दिल में बैठ के पवन सिंह राज करते हैं। आज वो खेसारी भैया हो, खेसारी भैया भी उनको प्यार करते हैं। पवन सिंह का हम लोग विरोध नहीं करते हैं, पवन भैया को आत्मा से भोजपुरी के सारे कलाकार मानते हैं, और तुम सरेआम पवन भैया को गाली देते हो, क्या उनके फैन हैं? तो पवन भैया को इतना दिन से सिर्फ राजपूत भाई लोग सुनते आए हैं, पवन भैया को जादव लोग नहीं सुनते हैं। हर बार जातिवाद की बात करते हो कि राजपूत लोग तैयार हो जाइए, क्या राजपूत जाति धर्म का यही संदेश है कि तुम भड़काओगे या वो किसी को गाली देते जाएंगे? इसमें नहीं, देखिए बाबा क्या होता है, ये लोग ना आके अपनी रोटी सेक रहे हैं, खूब गाली गलौज करके रोटी नहीं सेकी जाती है, अश्लीलता का विरोध गाली देके नहीं होता है। इन लोगों का टारगेट जानते हैं भैया क्या है, कभी खेसारी लाल यादव को फैन को अपने तरफ मिला लेते हैं और पवन भैया को गाली देते हैं कि इनके फैन सपोर्ट में आ जाएंगे, कभी पवन भैया को फैन को अपने तरफ मिला के खेसारी लाल यादव खेसारी भैया को गाली देते हैं। इन लोगों की मानसिकता ये है कि आज अगर हम लोग सारे भोजपुरी के कलाकार अगर ऐसे दरिंदा के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो हम हार जाएंगे, हम चुपचाप भोजपुरी में अपना साफ सुथरा गाना लिखेंगे, कभी नहीं बोलेंगे ठीक है, ऐसा लगेगा कि एक मरे हुए इंसान, हमारी भोजपुरी आज इंडस्ट्री मरी हुई है, ये लाश है, अगर लाश को हम लोग कुछ कह रहे हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप लोग आराम से अगर आप में इंसानियत होगा तो एक बार अपने दिल पे हाथ रखिएगा और बताइएगा कि ये लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के खिलाफ कैसा कैसा शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और आज आप लोग चुप हैं, अब आप लोगों का समय आ गया है, आप लोग बोलिए, नहीं तो आए दिन ये मगहिया जवान एक नहीं 2 लाख तैयार होंगे, और सरेआम हम अगर अच्छे गाने हमारे सोहर पे इन लोगों ने कल्लू जी का मैं गाना शादी गीत गवाया था उस पे इन लोगों ने वीडियो बनाया था, अगर हमारी माँ बहन हमारे घर में गाती है शादी ब्याह का कि ऐजा के धनवा ओजा के धनवा एक में मिलाओ रे, वो विवाह गीत 150 मिलियन है उस पे इन लोगों ने वीडियो बनाया था,
तो आज एक साफ सुथरे गाने का भी ये लोग विरोध करेंगे, ये लोग जैसे चाहेंगे वैसे हम लोग नाचेंगे और नाच रहे हैं। आज भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे कलाकार इस स्तर पर आ गए हैं कि ये लोग से डरने लगे हैं कि गाली दे देंगे, हमें माँ बहन की गाली दे देंगे। नहीं, वो डर नहीं है, लोग अपना ना दामन बचा रहे हैं कि यार छोड़ दो, हमको नहीं बोल रहा है तो हम लोग को इस पे नहीं रहना है। किस बात का डर? मेहनत हम लोग करते हैं, धूप में आप लोग खड़े रहते हैं, गाना आप लोग गाते हैं, गाना राइटर गाना लिखते हैं, आप जाके शूटिंग करते हैं, बाहर से दो लोग आए और माँ बहन की गाली जाना चालू कर देंगे, क्या मतलब योगदान भैया? देखिए वही ना योगदान भी करते हैं, देखिए इन लोगों की टीआरपी की ओरिजिनल चीज है, जॉब करते हैं, छुट्टी जब मिलेगा छत पे चढ़ जाएंगे, माँ बहन गाली दे देंगे सबको। ये है मगहिया जवान, भोजपुरी का विरोध कर रहे हैं, अश्लीलता का विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अश्लीलता का विरोध आप करते हैं तो नंद कुमार तिवारी बनिए, आंखों में आंखें डाल के अब ये पटना में बैठिए, सारे भोजपुरी स्टार के ऑफिस में जाइए, जितने पटने में म्यूजिक कंपनियां हैं सब पे चढ़िए। मेहनत लगता है ना बाबा, पैसा लगेगा उसमें, मेहनत लगेगा, आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपने भोजपुरी माँ को गाली दे के, भोजपुरी भाषा को गाली दे के 2 रुपया कमाए हैं। आप तो अपना राजनीति, आपको सिनेमा मिल गई महाराज, आपको टीआरपी नहीं चाहिए था तो सिनेमा क्यों साइन किए आप? आप लोग मूर्ख हैं, भोजपुरी के लोग, आप लोग को समझ में नहीं आता है कि हमारे समाज में ऐसा जहर घोल के और ये लोग अपना सिनेमा साइन कर रहे हैं, लोगों को भड़का के ये लोग अपनी कामें निकाल रहे हैं, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। एक पवन सिंह, एक खेसारी लाल यादव, रितेश पांड्या, कल्लू अंकुश राजा, गुंजन सिंह से नहीं होगा, हमारे सारे भोजपुरी के भाई अब जगिए और ऐसे दरिंदों को वैसा सजा देना है। अगर सरकार निकम्मी है, नहीं दे रही है तो हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन अब करेंगे। नहीं, बहुत हो गया, मतलब गाली गलो। अच्छा बाबा, एक चीज हमको बताइएगा बाबा, आज हमारे थोड़े मतलब एक्चुअली ना कल से हम लोग बहुत ये चीज देख रहे थे और ये पर्सनल नहीं है, ये सही में कोई इसको किसी तरफ लेके ना जाए, ये सच में पर्सनल नहीं है, ये भोजपुरी के लिए पर्सनल है, सच बता रहे हैं। ऐसा नहीं, आज हम लोग गाली मिली है, इसके पहले भी गाली मिलती तो उसके पहले भी गाली मिली है। सबसे बड़ा चीज भैया, एक और बात सुन लीजिए, जितने भी यूट्यूबर भाई लोग हैं, कल हम देख रहे हैं 2 दिन से पवन भैया के वो पारिवारिक मामला है, उस पे भी तुम लोग न्यूज चला रहे हो, कितनी शर्मिंदगी की बात है। यूट्यूबर लोग भी ना सावधान हो जाओ, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, जिस दिन हम लोग खड़े हो जाएंगे नहीं करेंगे। हाँ, ये लोग थंबनेल बना के इनका ना उनका, उनका ना उनका, उनका ये भाई वही बताता कि जितने दर्शक देख रहे हैं, पता हम लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये यही लोग बेवकूफ बना रहे हैं। पहले जाते भोजपुरी में आप लोग अच्छे गाने सुनते थे, पिक्चरें देखते थे, सब बंद करके ना हम लोग अब गलत इंटरटेनमेंट के चक्कर में फंस गए हैं। ये गलत इंटरटेनमेंट नहीं करना है। पीके में एक डायलॉग था, ये रॉन्ग नंबर है, तो ये सब रॉन्ग नंबर है, इन लोग का फोन नहीं उठाना, हम लोग को इस पे ध्यान देना है। और ऐसे जो 2 लोग हैं ना, आप इनको देखना, इनको सुनना बंद कर दोगे ना, ये अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। इनके पास है क्या ऑप्शन? इन्होंने जैसे बताया वो रोड पे आएंगे नहीं, पटना तो आज तक आए नहीं है, वो कहां जाएंगे? वो बिहार के, मुझे लगता है किसी भी शहर में आए होंगे अच्छे, बिल्कुल वो जहाँ रहते हैं वहीं रहते हैं, वहीं पे छत पे आके वीडियो बनाते हैं। इंडस्ट्री के कोई भी लोग बता दे कि इन लोगों को देखे हैं आप लोग, विरोध कीजिए, विरोध का तरीका होता है, विरोध का तरीका होता है, आप विरोध तरीके से नहीं किए हैं। अरे ज्ञापन नहीं दिए बिहार सरकार को कि यहाँ सेंसर बोर्ड ले आओ, ज्ञापन दो ना जाके गवर्नमेंट को, एक होता है ना एप्लीकेशन दीजिए कि देखिए अश्लीलता है, हमको बड़ा बुरा लग रहा है इसको, एप्लीकेशन, ये सब करना नहीं ना बाबा, हमको गाली देना है। आप लोग मेरे प्यारे भाई लोग, पॉपुलैरिटी जितने भी लोग हैं, देखिए सच में आप लोग भोले भाले हैं, आप लोग समझ नहीं रहे हैं कि ये समाज के ऐसे जहरीले सांप हैं कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री को सबको डांस के विषैला बना दिए हैं। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री एक फूल की तरह थी, हम लोग जब काम करते थे सारे लोग एक होके रहते थे, आज ऐसे दरिंदा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को चाहे कोई भी हो। हाँ, और बाबा एक और, जो भी गाली गलौज कर रहा है, हाँ, कोई भी किसी के भी भाई, किसी के लिए भी गाली गलौज मत करो, आप गाली गलौज करो ही मत किसी के लिए भी। जो गाली गलौज कर रहा है भाई, उनका विरोध 110% होना चाहिए, ये विरोध है। बताइए आप मगहिया जवान अपना नाम रखे हैं और आपका रोजी रोटी भोजपुरी से चल रहा है। अच्छा। आप भोजपुरी में आपको लोग ये बोल रहे हैं कि मगहिया जवान नाम रखे हैं और भोजपुरी कलाकार को गाली दे रहे हैं। आप दिखाइए कि एक भी मगह कलाकार को आपने सपोर्ट किया हो या विरोध किया हो। मगह इंडस्ट्री बना लेते छोटी सी, वहाँ पे स्टार्ट कराते कुछ, वहाँ पे रोजगार का ना, लेकिन कैसे करेंगे? जहाँ इंडस्ट्री बनी बनाई लड्डू वहीं खाने पहुंचे ना बाबा, लड्डू बनाने तो आता नहीं है, बिल्कुल तो वहाँ पहुंचेंगे, वहाँ गाली गलौज करेंगे, दूसरे लोगों को दिन पास करेंगे, सोचेंगे सब लड़ मर जाए, मेरा काम चले दुकान। हाँ। तो उनका दुकान चाहे अब कोई भी हो नहीं चलेगा। हमारे अपने लोग हैं, हमारे यूट्यूबर हैं, हमारे साथ रहने वाले लोग हैं, अगर वो यूट्यूब पे गाली देते हैं किसी सुपरस्टार के पारिवारिक जिंदगी निजी जिंदगी पे सवाल उठाते हैं, किसी के ऊपर गाना गाते हैं, वो गलत हो जाएगा। कार्रवाई सबसे पहले अखिलेश को सेव करेगा, याद रखिएगा। अब गलत हो जाएगा, अब इन लोगों का इसी तरीके से विरोध करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो।
गाली गलौज, मतलब ये मत बोलिए कि हम लोग की तरफ से आके उनको गाली देंगे तो हम लोग बड़ा ये बोलेंगे, ये करना ही नहीं है किसी को भी, ना हमारे लिए आप किसी को दीजिए ना किसी के लिए हमसे सुनिए। आज भोजपुरी इंडस्ट्री सोई हुई है, लेकिन मर्द हम तीन लोगों को अभी तक देखे, आज 14 गुंजन भैया आ रहे हैं, आज मेरी कल्लू जी से बात हुई है, अंकुश राजा भाई से बात हुई है, समर भैया से बात हुआ है, हर एक को कलाकार से अभी तीन मर्द भोजपुरी इंडस्ट्री के लाइव आके भोजपुरी माँ के दामन पे जो दागी लग रही है उसके लिए लड़ रहे हैं। सुपर स्टार पवन भैया, राकेश मिश्रा जी और हमारा हिट मशीन सुपरस्टार खेसारी भैया। राकेश मिश्रा जी ने सबसे पहला अपना बोली उठाया इस पे, और राकेश भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पवन भैया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुहिम में जो हम लोग के साथ एक कदम मिला के चलेंगे सब लोग, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक एल्बम बनाने वाले, कैमरा चलाने वाले, एडिट करने वाले, मेकअप करने वाले, आप लोगों को सबको रोड पे आना है, ऐसे दरिंदा को न्याय दिलाने के लिए सबको रोड पे आना है, ये किसी को छोड़ने वाला नहीं है। ये हम लोग 10 लोगों को गाली देगा तो अगला शिकार ढूंढेगा, कहीं उसी में आप लोग का नाम हो जाएगा, कोई वीडियो बनाया है अच्छा वीडियो तारीफ कर दिया आपको भी गाली देगा, कोई एक्ट्रेस है, कोई मॉडल है एल्बम में काम कर रही है आपका गाना सबसे ज्यादा बजने लगेगा। तो जो हस्त सौम्या पोखरेल का इन लोगों ने किया कि 300 पे सोती है वेश्या है ये, उसको वही एल्बम वाली लड़कियों के साथ करेगा। ये लोग मनमानी करके पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को नरक बना दिया। आज हमारे सरकार के पास ये आवाज नहीं पहुंच रही है, क्योंकि हम लोग एक नहीं है, हम लोगों को अब समय, यहाँ पे आपसी विवाद हम लोगों में थोड़ा थोड़ा विवाद हुआ है, लेकिन अरे घर में विवाद है ना यार, वो विवाद घर का है, वो घर का विवाद है, चाहे झगड़ा जो भी, ये बाहर वाले कब से घर में आके पंचायत करने लगे, ये गाली दे रहे हैं हमको, सबको, आपको, उनको, हमारी माँ बहनों को गाली दे रहे हैं। आज एक सुपरस्टार हम लोग बन चुके हैं, हम लोग एक भोजपुरी के आईना है, और हमारी माँ देखती होगी वो वीडियो, हमारी बहन देखती होगी तो क्या बोलती होगी। मानते हैं भोजपुरी में अश्लीलता है, अश्लीलता का विरोध होना चाहिए। आज तक अखिलेश कश्यप को एक गाने को इन लोगों ने गलत साबित कर दिया, चाची के बाती सपनवा में आती है, हम अपनी अगर वाइफ के माँ को माँ नहीं बोलेंगे, माँ बोलेंगे तो क्या मेरी वाइफ बहन हो गई, उसको इन लोगों ने गलत बताया। आज तक अखिलेश कश्यप लहंगा लखनऊआ से लेके बंगलिनिया से लेके सैकड़ों गाने साफ सुथरे बजवाए, लेकिन भैया आप लोग, हम क्यों, हम इंसान आदमी है, हमको आप दो शब्द बोल भी देते हैं तो हमको गुस्सा आता है, हम गुस्से में बोल रहे हैं लेकिन हम चुप हो जाते हैं, हम लोग नहीं बोल पाते हैं। लेकिन आज भोजपुरी इंडस्ट्री रो रहा है हमारा, अगर आप लोग भैया साथ नहीं देंगे तो हम लोग हार जाएंगे, ऐसे दरिंदा हम सबको लड़ाएंगे। भैया आप सपोर्ट करते हैं लेकिन उन लोगों की छवि को आप नहीं पहचाने हैं, यहाँ से एक बार सोचिए कि वो लोग थोड़ी सी टीआरपी के लिए वो आज भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे सुपरस्टारों को गाली दे के सिनेमा साइन कर लिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य भैया क्या होगा कि ऐसा दरिंदा आपके स्टारों को माँ बहन की गाली दे रहा है, सिनेमा साइन कर रहा है। भी मत सोचिएगा कि आपके सिनेमा साइन करने से हम लोग बड़ा प्रॉब्लम हो गया, ये सब नहीं है, आपकी करनी बता रहे हैं, आपकी करनी और कथनी आपको बताया जा रहा है कि भाई आपने कौन सी कथनी करके कौन सी करनी कर लिया, आपको ये बताया जा रहा है, ठीक है, आपके सिनेमा साइन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जवान जी आप लोग को भी मैं बोल रहा हूँ, आपका भी एक बूढ़े बाप है, आपकी भी एक बेटी है, ये लोग नहीं जानते, आप लोग को बता दें उनके मतलब 70 प्लस उनके पिताजी हैं, उनको छोड़ के ये लोग कहीं और ही रहते हैं, हमें लगता है कि उनका क्या बट उनका वो अगेन ये उनका पर्सनल लाइफ है, उसमें हम लोग को बोलने का कोई हक नहीं, हम लोग नहीं बोलेंगे। यही चीज मैं उनको भी समझ आता हूँ, भाई ये हम लोग का पर्सनल लाइफ है, किसी की कोई वाइफ उनकी पर्सनल वाइफ है, उनकी बेटी उनकी बेटी है, कोई एक्ट्रेस आती है वो काम करती, वो उसका पर्सनल लाइफ है, उस पर टिप्पा टिक्कड़ी करना तुम कोई नहीं होते हो। और 300 रुपए में कौन कहाँ जाता है भाई, आपके पास एक्सपीरियंस होगा इसलिए तुमने उसके बारे में ऐसा बता दिया, हम लोग को तो ये एक्सपीरियंस नहीं है, हम लोग नहीं बता सकते। बाबा आपको पता होगा ना पटना में गोलगप्पा कहाँ अच्छा मिलता है, क्योंकि आप खाते हो गए तभी तो बताए, इन लोग कैसे पता चल गया कि कहाँ सोना गाछी, कहाँ बनाना, कौन कितने होता है, किसी को पता नहीं है कि सोना गाछी क्या है, वो एक धंधे का सबसे बड़ा हमारे देश का अड्डा है। आज तो कभी आप लोग नहीं जानते होंगे लेकिन उसका भी ये लोग जिक्र कर रहा है, इससे बड़ा अश्लील कौन फैलाया है भोजपुरी में, उसका भी जिक्र कर रहा है, बोल रहा है कि नेपाल की लड़कियां सोना गाछी में जाकर सोती हैं, बांग्लादेश की लड़कियां जाकर सोना गाछी में 300 पे सोती है, तुम्हें रेट कैसे पता है बे, तुम लोग को रेट कहाँ से पता चल गया कि 300 पे सोती है। अच्छा ये अश्लील नाश कर दिया तुम लोग भोजपुरी, ये सब बोल के भाषा है, अच्छा ये सब बोल के तो माँ बेटी कितना सम्मान कर रहे हैं सब, नहीं हाँ, कितनी किसी बेटी का, वो लड़की वो अपने पति के साथ आती है, हाँ। अच्छे से एक गाना की उसका हस्बैंड उसको सपोर्ट करता है, उसका हस्बैंड उसके साथ आया, काम की, चली गई, लेकिन अगर उसको भैया ने बहन बोल दिया तो ना ना ना, तो ये रिश्ता खराब है, बोल रहा है कि बहन बोल के रात को पोखरा में हिलवाई है, अरे ना मर्द
कितने ठीक है, सौम्या पोखरेल ने बोला कि पवन भैया को नहीं जानती है, उसे नहीं बोलना चाहिए, उसने गलत किया, लेकिन फिर भी उसका ये सजा नहीं था मेरे भाई, उसका ये सजा नहीं था कि तुमने उसे बेस्या बना दिया, उसे 300 पे सोने वाली बना दिए तुम। तुम्हारा जब मन करता है तब, कभी तिरसाकर मधु का प्राइवेट वीडियो वायरल होता है उसको बोलते हो कि भोजपुरी में रंडी नाच तुम लोग करवाए हो, और आज से साल भर पहले का मेरा कॉल रिकॉर्डिंग, वो 16 मिनट का कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास अवेलेबल है, जरूरत पड़ने पे वो भी डालेंगे। इसके इस दरिंदा के सामने अखिलेश कश्यप रो के बोल रहा था कि भैया प्लीज बेटी के बारे में मत बोलिए, लेकिन ये दरिंदा वहां भी मुझे गाली दिया है, स्टार्टिस्ट ने किया है और तब मैंने गाली दिया है। डाले कहाँ है, डाले वो सब हटा के 5 मिनट का आप लोग को वो भी ऑडियो हम देंगे। इस दरिंदा को प्रणाम तक अखिलेश कश्यप किया है, ये दरिंदा बात करने के लिए इससे मैंने अपना आधार कार्ड भेजा भैया, उस आधार कार्ड को भी इसने फेसबुक पे डाल दिया। आज मेरे पापा का नाम लेके सब लोग गाली देते हैं, मेरी माँ का नाम लेके सब लोग गाली देते हैं, हम भी इंसान है। और आप लोग एक बात जान लीजिए कि अगर ये हम लोग मैदान छोड़ के अगर चले जाते हैं, हारते हैं, तो ये आप भोजपुरी में कभी आप लोग अपने आप को माफ नहीं करिएगा, क्योंकि दिन रात जग के किसी का कभी बिगाड़े नहीं है भैया। दिन रात मुझे गाली देता है, गुंजन भैया को गाली देता है, समर भैया को, पवन भैया को, खेसारी भैया को। रात को उस दिन कौन गाना असली लाया था, तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा नाम नहीं लिए हैं, रेप करने की धमकी नहीं दिए हैं, बोल रहे हो बतालवा घुसा देंगे। अरे कौन ये बोलने वाले, बोल रहे हो कि तुम्हारी बीवी गांव देहात की, तुम कौन होते हो, तुम ये कौन बोलने वाले हो, आप तुम्हारी बीवी क्या करती, तुम्हारी बीवी नहीं क्या करती, उससे हम लोग कुछ लेना देना है, तुमसे उससे क्या अर्थ है, तुम्हारा कोई अर्थ है, कुछ अर्थ नहीं है। लेकिन तुमने कितनी गालियां दिया, कल पवन भैया ने पोस्ट कर दिया तो शाम को वीडियो बना के रात में आ गया फिर से धोड़ियूरा। अरे दरिंदा इंसान, पूरे भोजपुरी को बिगाड़ दिया, अलग अलग नाम रखा, पूरे भोजपुरी को तहस नहस कर दिया। आज भोजपुरी रो रही है भैया, यहाँ पे अखिलेश कश्यप लाइव इसलिए नहीं आया है कि अखिलेश कश्यप कमजोर है, नहीं, आज भोजपुरी के लोगों को जगा रहे हैं। आप लोग जगिए, इन लोगों की मानसिकता पढ़िए, आज हमारी भोजपुरी रो रही है, हम लोग चुपचाप एक दूसरे का नौटंकी देख रहे हैं। सारे कलाकार को एक होना है, इस ऐसा अगर रहेगा ना तो ये आज खेसारी लाल यादव जो 10 स्टार है उनको गाली नहीं दिया है, ये भोजपुरी को आए दिन नेताओं को गाली देगा। आए दिन हमारे अगर अच्छे भाई अच्छे दोस्त किसी पोस्ट पे पोस्टेड होंगे, इसका मन बढ़ता जाएगा और ये लोग सबको माँ बहन की गालियां देते जाएंगे। आप लोग प्लीज जगिए, आप लोगों का जगने का अब समय आ गया है, और भोजपुरी में वो चीज अब लाइए कि हमें, हाँ अगर हमने अश्लील गाया है तो आप मेरा ऑफिस देख रहे हैं, मुझे जान रहे हैं कि मैं कहाँ जाता हूँ कहाँ बैठता हूँ, आप मेरा घेराव कीजिए। अगर इसी से नहीं, अगर आप लोग 100 लोग जुड़ के अगर मेरा गाना अश्लील है, भोजपुरी के किसी गायक का अश्लील है, तो उसका विरोध कीजिए और मुझे 10 थप्पड़ मारिए, भरे समाज में मारिए। अगर मैं अश्लील गाना गवा के अगर बजवा रहा हूँ, अगर मैं अश्लील किया हूँ, तो आप लोग जो सजा देंगे हंस के अखिलेश कश्यप को मंजूर है, हमको जो सजा आप दीजिएगा वो सजा हमें मंजूर है, लेकिन ऐसे दरिंदों को आप लोग सजा दीजिए। हम अगर अश्लील गा रहे हैं, एक सेंसर बोर्ड बैठाइए, 10 शब्दों का चयन कीजिए, ये शब्द भोजपुरी में नहीं चलेंगे, फिल्मों में गाली गलौज नहीं होता है, जहां भी होता है बीप लगा दी जाती है, भोजपुरी में भी एक सेंसर बोर्ड हो, भोजपुरी में एक सेंसर बोर्ड बैठाइए, भोजपुरी में एक कानून बनवाइए, इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। ऐसे दरिंदे की बात मान के हम लोग आज एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, आज सारे स्टारों को माँ बहन को गाली दे दिया ये, और बोलता है कि राजपूत भाई लोग माफ नहीं करेंगे। हमारे साथ राजपूत भाई नहीं रहते हैं, क्षत्रिय का शुरू से धर्म रहा है आज तक, उठा के देख लीजिएगा कभी अखिलेश कश्यप के जुबान से, मेरे साथ 24 आवर रहने वाले मेरे घर से रिश्ता है, तो एक बभुआन लोग रहते हैं, जादव लोग रहते हैं, ब्राह्मण लोग रहते हैं, हमने कभी किसी राजपूत भाई का विरोध किया है क्या, मैंने किसी को गाली दिया है, मेरे साथ देखिएगा हर वो अन्नपूर्णा फिल्म के पोस्टर पे सतीश सिंह बभुआन मेरा बचपन का दोस्त है उसका नाम जाता है, 24 आवर साथ में रहता है, विवेक सिंह मैनेजर है वो रहते हैं, हमारे अंदर ये कीड़ा कहाँ से आ गई भाई कि हम राजपूत हमारा विरोध करें, राजपूत की बातें कर रहे हो, हम ब्राह्मण है तो हमारे साथ सिर्फ ब्राह्मण रहेंगे, भैया यादव है तो उनके साथ यादव रहेंगे, बिल्कुल नहीं। आप लोग जगिए, अब समय आ गया है जगने का,
अगर आप लोग ऐसे ही हम घूम रहे हैं चार दिन से उन लोगों को अपने भोजपुरी भाषा को न्याय दिलाने के लिए, अखिलेश कश्यप आज तीसरा दिन है, खाना नहीं खा रहे हैं, रोड पे घूम रहे हैं, सबसे मदद मांग रहे हैं, अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आप लोग जागरूक होइए और भोजपुरी इंडस्ट्री को बचाइए। आपका ये कर्तव्य है कि हमारे सुपरस्टारों को ये माँ बहन की गाली देता है। अगर पवन भैया के फैन है तो पवन भैया को ये माँ बहन की गाली नहीं दिया है, कितना गाली दिया है आप लोग नहीं देखे हैं। और राजपूत धर्म आप लोग समझिए कि आपका धर्म क्या है, आपका कर्तव्य क्या है कि ये बोलता है कि हम राजपूत हैं, राजपूत हैं, राजपूत क्षत्रिय होते हैं। अगर समाज में जोर जो घोल रहा है, जो गलत कर रहा है, उसका विरोध करते हैं क्षत्रिय लोग। आप लोग जगिए, अगर अखिलेश कश्यप आज इतना आक्रोशित होकर लाइव आया है, इतने कष्ट में लाइव आया है, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। अगर हम लोग यहाँ पे नहीं लड़ाई लड़ेंगे तो हम लोग भैया कमजोर हो जाएंगे और हम लोग हार जाएंगे। बताइए, भोजपुरी में मनोज तिवारी जी थे, रवि किशन जी थे, तब से अश्लीलता गाए कि तहार लहंगा उठा दे रिमोट से, तनी सा जींस ढीला करो, चल चल तुरंत माई से कहता नहीं, सारे गाने गाए। लेकिन आज हमारा भोजपुरी कम से कम 50% सुधर चुका है। अगर जो अश्लील गा रहे हैं उसका विरोध हो, कायदे से हो, मुझे थप्पड़ मारिए, मुझे तकलीफ नहीं होगी। लेकिन हमारे लड़ाई में, आपके लड़ाई में हमारी माँ बहनों का कहां से गलती आ गया? हमारी माँ बहन कहां से गलती कर दी? उसे आप बोलते हो, मुझे कोठा पुत्र बोलते हो, पवन भैया को ना भी नरेश बोलते हो, धोनी उरवा बोलते हो, केसारी भैया को बोलते हो तुम लोग कि मसूरिया है, छाका है, लवांडा है, गुंजन सिंह को बोलते हो झुंझुनवा है, अरविंद अकेला कल्लू पे सवाल उठाते, उसके बाद उनके पापा को तुम लोगों ने गाली दिया। आज राकेश मिश्रा लड़ रहे हैं, राकेश मिश्रा का यही मगह में उनकी, राकेश भैया की वाइफ का यहाँ ननिहाल है, उस घर की बेटी को तुम लोग गाली दे रहे हो। कहाँ विरोध कर रहे हो यार, किस चीज का विरोध कर रहे हो? ये विरोध नहीं होता है, ये हम सबको फोड़ दिया, ये अंग्रेजों वाले रास्ते पे चला, फूट डालो और शासन करो, और हम लोग चुप चुप देखते चले गए और ये अपना टीआरपी बढ़ाते चला गया। आप एक बार भी उठ के देखिएगा, ये होली में भी आता है घर पे अपने, तो कभी एक भी बार कोई ऐसा मंजोसा किया है, कहीं धरना प्रदर्शन किया है, या कहीं के यहाँ के लोगों के साथ जुट के 500 लोगों को जुटा के कहीं धरना दिया है, किसी अश्लील स्टार के खिलाफ कहीं FIR किया है? नहीं किया है, क्योंकि इसे अपना बिजनेस से मतलब है। आप लोग इसका समझ नहीं रहे, ये लोग कितने खोपड़े वाले लोग हैं कि थोड़े से TRP के लिए ये कहीं ना अश्लीलता का विरोध किए, सिर्फ क्यों? आप देखिएगा, अश्लीलता का गाली भी दिए हैं इन लोगों का। भाई अगर मैं गलत हूंगा तो 10 जूता मारिएगा। इन लोग का सारा वीडियो उठा के देख लीजिए, फेसबुक मोनिटाइज का नियम है, 3.5 मिनट से ज्यादा ड्यूरेशन का वीडियो आप चलाएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। देखिएगा, ये लोग वीडियो का थंबनेल बनाता है, उस पे भोजपुरी सुपरस्टारों का फोटो लगाता है, और जो भी वीडियो बनाता है वो 6 मिनट 7 मिनट का बनाता है और मोनिटाइजेशन ऑन रहता है। देखिएगा, आप लोग जब देख रहे होंगे इसका वीडियो तो उसमें प्रचार चलता है और उसी से ये लोग पैसा कमाते हैं, और सेम वही वीडियो यूट्यूब पे भी ये लोग चढ़ाते हैं, वही वीडियो ये लोग यूट्यूब, आज 2500 लोग देख रहे हैं, 2000-2500 लोग जुड़े हुए हैं हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप लोगों को, कि आप लोग अब जगिए। आप लोग यहाँ भोजपुरी कलाकार, हमारा पूरा शरीर आज सूखा हुआ है, एक ही कपड़ा 3 दिन से पहने हुए है, आज कुत्ता की तरह रोड पे इंसाफ मांग रहे हैं भोजपुरी कलाकार से, भोजपुरी के श्रोता लोगों से। लेकिन आप लोग को अब जगने की जरूरत आ गई है, आप लोग प्लीज जगिए, ऐसे दरिंदा के साथ इंसाफ होना चाहिए, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को न्याय मिलनी चाहिए। ऐसे ही किसी को गाली दे रहा हूँ, और आप लोग जो भी भोजपुरी के, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो मॉडल हो, चाहे स्टेज करने वाले सिंगर हो, सब लोग आप लोग आइए और इन लोगों का विरोध कीजिए। नहीं तो ये हमको नहीं गाली दिए हैं, हमें ठीक है गाली दिए, हम चुप हो गए, कोई बात नहीं, हम हार जाएंगे, हम अकेले पड़ जाएंगे, भैया चुप हो जाएंगे, लेकिन कल गए आपकी भी बारी आएगी, याद रखिएगा। ये दरिंदा आपको भी नहीं छोड़ा है और आप लोग को भी नहीं छोड़ेगा, जान लीजिए आप लोग ये बात। आज तक ये मुझे गाली दिया है, किसको गाली नहीं दिया है वो बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री के जो मुख्य आईना है, पवन भैया को नहीं दिया है, खेसारी भैया को नहीं दिया है, गुंजन भैया को नहीं दिया है, राकेश भैया को नहीं दिया है, समर भैया को नहीं दिया है, शिल्पी राज को नहीं दिया है, आंतरा सिंह को नहीं दिया है, कल्लू जी को नहीं दिया है, नीलकमल भाई को नहीं दिया है, जितने लोग हैं सबको गाली दिया है ये दरिंदा, सबकी माँ बहन को ये किया, तब इसे फिल्म मिली है, तब इसे मूवी साइन किया है। आप लोग अब जगिए, अगर एक भाई यहाँ पे आक्रोश में, मेरी जान भी जा सकती है,
मेरे मुझे मारने की भी धमकी मिलेगी, क्योंकि अभी हम अकेले हैं ना भाई। जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, अखिलेश कश्यप का कंधा मजबूत नहीं होगा। आप लोग अब जग जाइए, आप लोगों का बदला लेने का समय आ गया है। आप लोग अब चुप मत बैठिए, आप भी किसी के फैन होंगे, आप भी किसी माँ के बेटे होंगे, आप भी किसी बहन के भाई होंगे, आप भी किसी माँ के कुख में पले बड़े होंगे। क्या आपकी माँ को कोई गाली देगा तो आप बर्दाश्त करेंगे? आप अश्लीलता का विरोध कीजिए। आप लोग चाहते हैं कि भोजपुरी से अश्लीलता खत्म हो, तो भोजपुरी से अश्लीलता खत्म हो, इसमें आप अश्लीलता का विरोध कीजिए। अगर अखिलेश कश्यप को इनवाइट कीजिए, अगर अखिलेश कश्यप आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा, मेरा ऑफिस है बोरिंग रोड में, आप गूगल पे डालिए मेरा मैप आएगा, 10 जूता मारिएगा। सिर्फ अखिलेश कश्यप, सिर्फ खेसारी लाल यादव, प्लीज इसको मत बनाइए, इसको भोजपुरी बनाम ये दो गधे बनाइए। हाँ, इसको पर्सनल मत बनाइए, मैंने अभी बताया भी था, प्लीज ये ना पर्सनल के लिए है ही नहीं। हम लोग जहाँ काम करते, जहाँ से मेरा घर चलता है, जो इंडस्ट्री ने मुझे 2 रुपया दिया है, जिस आदमी के लिए मैं काम करता हूँ, भोजपुरी का स्टार है। जो लोग मेरे भाई लोग हैं, जो लोग गाना गाते हैं, मेरे भैया हैं कुछ लोग, वो लोग भी भोजपुरी के स्टार हैं भाई। उनके और ये दो गधे के बीच का ये है, ये ना हम लोग का, अखिलेश कश्यप, विवेक सिंह, खेसारी भैया, पवन भैया, गुंजन भाई, समर, अंकुश राजा, कल्लू भाई, इन लोगों का नहीं है, ये भोजपुरी बनाम ये दो लोग हैं, यही है। क्योंकि गाली माँ बहन, हम सबकी माँ बहन है, गाली सबको बुरी लगती है, और गाली से गाली नहीं मिटाई जाती, अच्छी बातें बोल के गाली मिटाई जाती है। हमें तो आज तक कहीं नहीं पढ़ाई किया कि बेटा कि कोई तुम्हें गाली दे और तुम भी उसको गाली दो तो गाली गाली कैंसिल, सॉरी ऐसा नहीं होता। आप अगर संस्कारी हैं, गाली करो मत करो, विरोध 110% करिए, फुल 100% आप विरोध करो, कोई गंदा गाए फुल ऑन गंदा बोलो, लेकिन गाली और फैमिली को मत बीच में लाना चाहिए। फैमिली सेपरेट है, चाहे तुम्हारी फैमिली हो चाहे हमारी फैमिली हो, फैमिली एकदम अलग है। फैमिली हम लोग थोड़ा ना बोलती ये गाना गाओ ये गाना लिखो, हम लोग को बोली रहे हो, फैमिली क्या लेके आते हो बीच में तुम लोग, फैमिली लेके आना गलत है। भोजपुरी के कलाकार भैया, आप लोग प्लीज, आप लोग हमारा साथ दीजिए, आप लोग अपना साथ दीजिए, हाँ, हमारा हाँ, कहाँ है, भोजपुरी का दीजिए। देखिए भाई, हमारे इसमें भी कोई कोई ऐसे लोग है, आप लोग गाली दे रहे हैं, ठीक है भैया, थैंक यू, कोई बात नहीं, आप लोग गाली दीजिए जिसको, अगर हम लोग गलत हैं, अश्लीलता भोजपुरी में है, अश्लीलता भोजपुरी से खत्म होना चाहिए, इसका विरोध अखिलेश कश्यप सबसे पहले कर रहा है। अश्लील अगर हम लिख रहे हैं, मेरा विरोध कीजिए, लेकिन हमारी माँ बहनों को आप गाली क्यों देते हैं? आप कलाकार के माँ बहनों को गाली देने वाले होते कौन है? अश्लीलता का विरोध ऐसे नहीं होगा, अश्लीलता सदियों से भोजपुरी में चलते आया है, और उस जो दीमक लगा है उसको एक बार में किसी को गाली देके आप खत्म नहीं करेंगे। तो आप लोग प्लीज, और आप आज आपके लिए अखिलेश कश्यप एक राइटर नहीं बात किया है, एक माँ का बेटा बात किया है, एक बेटी का बाप बात किया है, एक भोजपुरी इंडस्ट्री का सदस्य होने के नाते बात किया हूँ, एक बहन का भाई बात किया है, इतने लोग चाहने वाले हैं, उनका एक छोटा सा प्यारा बच्चा बात किया है। प्लीज आप लोग भैया ऐसा दरिंदा को अगर आप लोग सजा नहीं देंगे तो भैया प्लीज आप लोग इन लोगों को सजा दिलवाइए। और ये सिर्फ खेसारी लाल यादव का मुद्दा नहीं है, भोजपुरी के कलाकार लोग आप अपने माइंड से ये निकाल दीजिए कि ये खेसारी लाल यादव के लिए हो रहा है, ये मुझे कोटा पुत्र बोलता है। हम लोग गाना गाना खेलते रहेंगे, कभी आपका गाना कभी हमारा गाना, तो हम लोग के बीच की बात है ना, वो तो गाने गाने में चलता है, एक आप गाना फेंके एक गाना हम फेंके, ये बाहर से आके कौन सा ही रामायण का पाठ करने सुनाने हम लोग को चले आए। इसलिए ये प्लीज, 2-3 लोग आए हैं भैया लोग सपोर्ट में, हमें लगता है आज और 3-4 लोग सपोर्ट में आएंगे, हम लोग को अपना सपोर्ट करना है, हम लोग रहेंगे सब कुछ रहेगा। और ऑडियंस ये सिर्फ यही दोनों नहीं, बाकी कोई भी गाली गलौज करता है, कोई भी चाहे कोई भी यूट्यूबर हो किसी को गाली देता है, छोड़ना नहीं है अब। और भोजपुरी इंडस्ट्री जग चुका है, भोजपुरी के कलाकार जग चुके हैं, आप गाली दीजिए उसके खिलाफ कल एक्शन लेंगे, सबके विरोध कार्रवाई करेंगे, जो भी हमारी माँ बहन को गाली दे रहा है सबके विरोध FIR करेंगे। इस बार सबक नहीं सिखा दिए, आज भोजपुरी के सारे कलाकार एक हो चुके हैं। नंद कुमार तिवारी बाबा ने भी मगोहिया जवान को गलत साबित किए हैं। गलत साबित करना क्या है, आप लोगों इन लोगों की TRP के पीछे जाइए और देखिए कि ये लोग कितना गंदा, ये हमारे नंबर पे हमारे फेसबुक में 10 लोगों को रख के जुड़वा के मुझे गाली दिलवाते हैं लोग। ये लोग इतने राजनीतिक हैं, जो रिकॉर्डिंग डाले हैं 16 मिनट का रिकॉर्डिंग है, आप लोग को वो भी सुनने को मिलेगा। काट के क्यों डाले, काट के क्यों डाले, वो है अखिलेश कश्यप के पास इतना खोपड़ा, मैं जानता था कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वो सब क्यों नहीं डाले, इसलिए कि उसमें अखिलेश कश्यप रो रहा था कि बेटी को मत बोलिए भैया, बेटी को मत गाली दीजिए, लेकिन आपने नहीं डाला,
आपने काट के डाला, जहाँ आपके पक्ष में बात हो, आप अपने स्ट्राइक के बारे में बात किए हैं। वाह रे दिमाग वाह, जानते हैं पाप का घड़ा भरता है ना, एक दिन फूटता है। अब तुम लोगों का घड़ा फूटने वाला है, इसका इंतजार करो। भोजपुरी के एक एक माँ बहनों को रोड पे लाएंगे और तुम लोग का विरोध कराएंगे, याद रखना। उन लोग के पास अखिलेश कश्यप अभी गाना नहीं लिखेगा, अभी तुम लोगों को सजा दिला के ही दम लेगा, चाहे जो भी हो जाए। आज अकेले हैं, लेकिन देख लेना कुछ समय ऐसा आएगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री सब लोग एक हो जाएंगे, पूरा परिवार एक होगा, और तुम्हारे जैसे दरिंदे को इस इंडस्ट्री से भगाएंगे हम लोग। आज भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन भैया, खेसारी भैया, राकेश भैया, गुंजन भैया, अंकुश राजा भाई सब लोग सपोर्ट में है ना, सब लोग एक हुए, ऐसे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे लोग एक होंगे और तुमको खदेड़ के पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री से मानेंगे। चिंता मत करो, तुम्हें पैसा और हिट होने के बहुत शौक थे ना, गाली देके टीआरपी मिल गया तुम्हें, तुम हिट हो गए, तुम्हें तो आज सब लोग जान रहे हैं क्या करते हैं यार। तो मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे स्टारों को गाली देता हूँ, माँ बहन एक करके अश्लीलता फैलाए तुम हो, जातिवत के बीज तुम बोए हो, भोजपुरी इंडस्ट्री में जात का बीज तुम बोए हो, जब से आए तब से नाश कर दिया भोजपुरी को। ठीक है, चलिए आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, और इसमें इन लोग इन जैसे दरिंदों को सजा बहुत जल्द मिलेगी, आप लोग इंतजार कीजिए। और हमारे भोजपुरी के सारे सुपरस्टार आज से लाइव आएंगे, और आज से इस लड़ाई को हम लोग आगे लेके चलते हैं, देखते हैं कहां तक सरकार साथ नहीं देती है, और लोग हम गलत हैं हमें सजा मिले। बस सरकार पे छोड़ दिए हैं और पब्लिक पे छोड़ दिया, आप लोग जगिए, अब समय आ गया है जगने का, इन लोगों का एक एक चीज का उजागर करेंगे हम लोग। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी, जय माता दी, हर हर महादेव।